हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो भाई और उनकी बहनों? फाइनली आई एम बैक बहुत टाइम के बाद, आई गेस 7-8 महीने, हाँ इतना ही होगा, या 5-6 महीने के बाद, काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। एनीवेज, ईद मुबारक, आज ईद का सेकंड डे और काफ़ी टाइम, खैर वो स्टोरी मैं बाद में बताऊँगा कि क्यों नहीं बना रहा था। और फिलहाल आज है सेकेंड डे और अभी सुबह के 8 बजे और आज है हमारा फार्म हाउस का सीन, तो मतलब सारे बॉयज का रेडी है सीन, तो बस वहाँ के लिए निकलना है। और बाकी तुम्हारे भाई के हाथ में ये 2 शर्ट्स और हैं एक्स्ट्रा, बाकी वहाँ जाके पिक्चर्स वगैरह लेंगे, वो तुम लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे। फिलहाल हम चलते हैं, पहले इससे पहले आउटफिट चेक हो जाए। और अभी कुछ हैं, एक दो उनका ना अभी लेट कर रहे हैं कि वो जब तक आ जाएँ, एक दो ऐसे होते हैं दोस्त जो लेट करवाते हैं। नहीं, मैंने आपको बोला कि अगर मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आई ना तो फिर याद है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, पिक्चर अच्छी होने के लिए शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए यार। देखो, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मैं अपनी शक्ल को कुछ नहीं बोलूँगा, बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है, जैसी भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजाक को सीरियस लेने वाले लोग हैं। और जैब भाई कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई अभी ये गुस्से में बैठे हैं। और तारिक भाई कैसी है आपकी? इसकी अटी भी, क्योंकि वो एक है ना, अभी दिखाया नहीं। यार फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं फार्म हाउस में, और अभी आपको मतलब टूर करवाते हैं, पूरा सब कुछ दिखाएंगे कि मतलब यहाँ के क्या सीन्स वगैरह। फिर अभी हम यहाँ का आपको टूर करवाते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट में आ जाओ तो यहाँ पे कुछ मतलब झूले वगैरह लगे हैं बच्चों के और हम बड़ों के भी, ऑब्वियस ही बात है। और ये यहाँ पे विकेट लगाई, ये पिच है इतनी छोटी सी यार। खैर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले रूम, और ये रूम हम खोलते हैं तो अंदर आई गेस ये नमाज की जगह है या फिर ऐसी कोई जगह होगी। खैर ये रूम मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये दूसरे रूम में जाते हैं, यहाँ चेक करते हैं, और यहाँ पे एक बेड रखा हुआ है। और इसके अलावा मुझे लगता है अभी ये ना मतलब कम्प्लीटली बना नहीं है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काम होना बाकी है इसमें। बाकी यहाँ अंदर से जो व्यू देखो बाहर का, तो बहुत बहुत क्लास का व्यू है। यहाँ पर लेट के बंदा आराम से व्यू देख सकता है, बाहर का व्यू चेक कर सकते हो। तो बाकी ये जो 2 रूम्स हैं और ये दोनों तो मुझे लॉक लग रहे हैं, पहले भी मैंने चेक किया था। खैर जाके देखते हैं अंदर, हाँ लॉक है। और ये देख लिया आपने, बाकी मतलब सेम रूम है तीनों चारों आई। और ये है पूल, और पूल में स्लाइड। अच्छा लास्ट टाइम जब आए थे तो तब तो नहीं था ये स्लाइड, जिस हम मतलब दूसरे फार्म हाउस के स्लाइड वगैरह नहीं, बट इसमें है कि ये पूल भी अच्छा बना हुआ है और मस्त आने वाली है। ये थोड़ी बैठने की जगह है, और इसके अलावा अबे बगैर तो बस कर दो यार, ये लोग आए और बस यहाँ पर ये फुटबॉल खेलना स्टार्ट हो गए। यही तो चीज़ें होती हैं एंजॉय। क्या बदतमीजी है यार। खैर ये लोग लगे हुए, और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ अभी कि अंदर के क्या सीन्स हैं। और ये हैं अंदर के सीन्स, कहाँ खुलेगा ये चेक कर सकते हो आप। ये अंडरग्राउंड बेसमेंट का एरिया है, और ये सब यहाँ पे बैठे हुए। और ये है ताहिर भाई, ये आते साथ लेट गए। महाराजा साहब कैसी है आपकी? ये चेक करें, बाकी क्या पूरा आपको टूर करवाएंगे यार, मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है फार्म ना। और ये बाकी आपको कबर्ड वगैरह दिया हुआ है आपको सामान रखने के लिए। आपने सामने डाइनिंग टेबल वगैरह, ये स्क्रीन लगी हुई है सामने। और इसके बाद हम आपको मिलाते हैं एक बंदे से। और ताहिर भाई कैसी है आपकी तबीयत? वालेकुम अस्सलाम। और हसन भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें।
तारिक भाई, तारिक भाई कैसे हैं आप? ईद मुबारक हैं आपको, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक और आपकी तरफ से खैर मुबारक। और यार हम बैठा हुआ सामने, बस आते हैं और रूम यूज़ करने। अगर आपको बाकी दिखाते हैं यहाँ पे रूम्स वगैरह, यहाँ के रूम्स, ये रूम बना हुआ है और ऑब्वियस बात रूम के अंदर फिर से वॉशरूम, ये वॉशरूम है यहाँ का, नया नया बना है, पाँव सभी साफ लग रहा है वरना गंदा हो जाता है। और ये यहाँ पे पहले ये रूम बंद करें हम, और इसके बाद ये है दूसरा रूम, ये दूसरा रूम है और ये है इसका वॉशरूम। हेलो यार, हॉन्टेड हॉन्टेड बोलते हैं, बाहर जाओ बाहर। अच्छा बाकी लड़के हैं ना, अभी आना बाकी है तो वो आ जाएं, फिर और मज़ा आएगा। अभी लड़के थोड़े कम हैं और गाड़ी में रुक गए थे कोई सामान वगैरह लेने के लिए, बस हम थोड़ा हमारे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। आपको टूर तो दे रही है पूरा, और बाकी इन्जॉय करना आज पूरा दिन, और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है तो यार थोड़ा ना यू नो पकड़ना है मस्त वाले फ़ोन। एनीवेज हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं तो भूल गया था कि बेसमेंट वाला सीन भी है यहाँ पर, आपको अभी बेसमेंट लेकर चलते हैं और यहाँ के आपको सीन दिखाते हैं। बेसमेंट में क्या सीन है ये हम आओ, ये है टेबल टेनिस, और मुझे जहाँ तक लगता है कि इनमें से किसी को नहीं आता है टेबल टेनिस खेलने, फिर बताइए आपको आता है खेलने? खैर आपको सिखा देंगे हम, ये यहाँ पे कैरम है और ये है टेबल टेनिस का टेबल, और ये स्नोकर का जो जिसकी बहुत बुरी हालत हुई हुई है ये फटा हुआ है, बॉल्स भी नहीं है यार ये, व्हाट द हेल इज दिस यार, मैं कुछ और बोलने वाला था बट द फज। एनीवेज ये एरिया, लेट्स ट्राई ब्रो, ट्राई करने में क्या जाता है ना यार, एक रिस्पेक्ट दो यार, आ जाओ फिर रुक जा। यहाँ से हम लाइट्स ऑन करें बट लाइट्स ऑन ही नहीं हो रहे, हो गई, कहाँ से हुई है? ब्रेकर से? अच्छा गर्मी से देखो तुझे क्या हाल हो गया तुम्हें। ओ माय गॉड, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा, आप मतलब यहाँ पे फुल एंजॉय कर सकते हो, फुल चिल वाला सीन। और इसको भी मैं बताता हूँ कैसे खेलते हैं, अच्छा ऐसा पाकिस्तानी हमारा हक है कि हम कहीं पर भी जाएँ तो एक जुगाड़ी लाती है, ये अब कोई ना कोई जुगाड़ ढूँढ रहा है और ये इन्होंने बस देख लिया है यहाँ पे प्रोजेक्टर पर, प्रोजेक्टर ऑन हो गया, लगाओ यार कुछ इस पर डांस करो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं जा रहा हूँ ऊपर और ये आप सारे मेरे पीछे वापस आ रहे हैं क्या, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरी तो थक चुकी है गर्मी से, हम बाहर आ गए यहाँ पे देखो मेरे पीछे पीछे आ गए बच्चे मेरे, और ये बाहर आ चुका हूँ अभी, अंदर बहुत गर्मी है यार क्योंकि वो चिलर ऑन नहीं किया हुआ, खैर अभी हम वहाँ पे थोड़ा बैठेंगे उसके बाद अंदर कूद जाएंगे, हम कूद जाएंगे अंदर, जुएब को डुबाएंगे आज इंशाल्लाह, जुएब को डुबाना है यार, जुएब ये वाला जो पूल है ना ये तुम्हारे लिए, ओके इस पे वो भी बना, ये तुम्हारे लिए कमोड बना, ये तुम जैसों के लिए, उनको पता है कुछ आते हैं जो स्विमिंग पूल में कर देते हैं काम, देख रहे हो अजीब के चक्कर, और ये चस आने वाली है, सफाई हो रही है फिलहाल यहाँ पे, मुंह तक भर दें, वो कह रहे हैं मुंह तक भर दें, हसन अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हो यहीं से बाहर आ गए फिर, नहीं इतनी नहीं वो मैन क्या मतलब कौन सी ये कोई साइंटिस्ट की औलाद है, ये देखो ये स्लाइड है, ये यूं आएंगे और गुड भाई यहाँ पे अभी सारे अंदर आके बैठे हैं, सबको लगी थी गर्मी, या आप इंग्लिश शुरू करो, इंग्लिश खत्म हो गई, नो नो आई स्टार्ट, आई स्टार्ट, यू जस्ट स्टार्ट, या मेरे मेरे मेरी बर्दाश्त की हद है, डोंट क्रॉस द लिमिट, डोंट लिमिट द क्रॉस, डोंट लिमिट द क्रॉस, डोंट लिमिट द क्रॉस, एक ये जो है टिक टॉकर बैठा हुआ है यार, बाबर भाई आपने टिक टॉकर देखा है, टिक टॉकर तो होता है टिक टॉकर, ये रहा टिक टॉकर, ये रहा ये टिक टॉकर, ये टिक टॉक बना सस्ता वाला टिक टॉकर, सस्ता वाला टिक टॉकर और टिक टॉकर में फर्क होता है, ये टिक टॉकर है, ये सस्ता वाला टिक टॉकर है, साउंड तो चला चुट्टू तेरी चलता रहेगा आज पूरा दिन भाई, वहाँ तो रूम में सब लगे हैं अपना, मैं यहाँ आया हूँ मैंने जस्ट चेंज करना है ताकि पूल में जा सकूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँ, खैर मैं आता हूँ चेंज करके, वो फाइनली मैंने चेंज कर लिया है तो अब जाते हैं पूल में, देन फिर नहाते हैं थोड़ा,
उसके बाद मिलते हैं तुम लोगों से पूल का। डोंट नो सीन में दिखा सकूँ या नहीं, क्योंकि यार फ़ोन नहीं लेके जा रहा, ऐसे ही पानी में गया, फिर रेस्ट नहीं ले सकते यार, वैसे वाटर प्रूफ है। एनी वेज अभी चलते हैं। फाइनली मैंने एयरपोर्ट गया, ट्राईपोर्ट मैंने सेट कर लिया, अभी ज़्यादा पानी में। और एक प्रिकॉशन मैं तुम लोगों को बता दूँ, कभी पानी में डायरेक्ट नहीं जाया जाता, क्योंकि मेडिकली अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पानी में अगर डायरेक्ट जाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, ब्लड का एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो वो टेम्परेचर थोड़ा ख़राब हो सकता है आपका, जिसकी वजह से आपको इशू हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन लाजमी है, तुम डायरेक्ट नहीं कूद जाना, इसलिए मैं आराम से जा रहा हूँ। क्या मतलब क्या क्या होता है भाई, सीन ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन होती है ना बॉडी का टेम्परेचर, कि अगर 37 है ना नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर, अगर आप डायरेक्ट जाओगे पानी का टेम्परेचर कम है, तो पानी से आपको अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब आप धीरे धीरे आपने आराम आराम। ओके, सो लेट्स गो, हम जाते हैं। पानी जो है ठंडा ठंडा है, चेक करते हैं ये कितना फीट है, नीचे जाया जा रहा है, बाद साइड में भी जाएंगे। और वहाँ पानी थोड़ा गहरा है, तो देख के लेट्स गो। तो यार नहाया थोड़ा, और आंखें देख सकते हो तो कैसी रेड हो गई है, बस ना क्लोरीन बहुत ज़्यादा है। खैर अभी चाय का टाइम है तो ज़रा चाय पियेंगे हम। अरे बता, क्लोरीन इतना ज़्यादा ना कि आंखें रेड हो चुकी हैं, तुम देख सकते हो, स्वेल कर रही है लेकिन नींद भी वैसे पूरी नहीं हुई है। बहुत हल्का कैमरा, हवा तेज है बहुत ज़्यादा, नहाने का दिल भी बहुत कर रहा है और आंखें भी जल रही हैं। कहीं में नहाएंगे छोड़ेंगे थोड़ी यार, एक ही दिन मिलता है मतलब साल में। सीन चेक करो अभी, ये बाबर भाई को अंदर फेंकने के लिए उठा के लाया है, वे सर लगेगा। हम नहाने के बाद और अभी यहाँ पे बैठे हुए आराम से चस सारी है। देखो पानी ना बिल्कुल करीब है, और मैं पानी में फ़ोन अपना लेके नहीं जा रहा, क्योंकि अगर डूब गया तो एप्पल की वारंटी नहीं देता। बाकी ताहिर भाई बैठे हुए हैं सामने, और ये अजय बैठा हुआ है, चस आ रही है ना, ऊपर धूप भी पड़ी है, थोड़ा सन टेन होगा, लेकिन खैर साल में एक दो दफ़ा तो आते हैं, खैर हो जाए, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत चस आ रही है। बाकी वो लोग वहाँ पे बैठे हुए, नहाना है नहीं इनको, क्यों आए यार ये लोग ऐसे, खाना खाने के बाद ना भूख लग रही है उनको, कुत्ते की तरह भूख लग रही है। मैं क्या बोलूँ तुम्हें, हालांकि हमने नाश्ता नहीं किया भाई, अभी सीन ऐसा है कि नमाज पढ़नी है, जो है आज वैसे अभी जा रहा हूँ गाड़ी में, और अपनी जो शर्ट्स वगैरह रखी हुई थी वापस लूँ, जाएंगे नमाज पढ़ के फिर आगे का इंजॉयमेंट करेंगे। अब ये लोग जा रहे हैं बाकी खाना वगैरह लेने, क्योंकि हम साथ में मतलब हमने दे दिया था ऑर्डर वगैरह, तो ये अब लेने जा रहे हैं। लाओ दे दो अपना फ़ोन, गिर गया है अगर ये आ गई है हमारी शर्ट्स, ये अंदर ऐसा है जिससे ना मतलब आग लगी हुई थी, यही होता है गैस जमा हो जाती है वो। क्या शर्ट आ गई हमारी, गाड़ी जो है ये बंद कर दो, चले यार जा रहा हूँ मैं, ये पकड़ो ताहिर भाई तो पूरा है उसमें आपका फ़ोन, यार ये पकड़ लो, थैंक यू। चले यार ये लोग जाएँ, खैर हम जाएँ ये चेंज करके, फिर आप लोगों से मिलते हैं। बाकी यार यहाँ पे गेम्स वगैरह मैं अभी देखता हूँ, मतलब क्या यहाँ पे झूले वूले क्या सीन है, ये थोड़ा बहुत मैं मतलब गया ही नहीं था यार ऊपर, खैर इट्स ऊपर जगह बनी है बस खाने के लिए बैठ सकते हैं ऐसे, और शाम को भी बैठ सकते हैं क्योंकि अभी गर्मी है भाई, ऐसे तो नहीं बैठ सकते। अच्छा यहाँ पे
पे ना बॉन्ड फायर का सीन भी दिया है, बट इस गर्मी में क्या बॉन्ड फायर करेंगे। वैसे बारबेक्यू हो सकता है यहाँ पे, और बहुत अच्छा बारबेक्यू होगा, लाइक बॉन्ड फायर बारबेक्यू दोनों का सीन है। एनीवेज अंदर चलते हैं दोबारा, हम ब्लॉग लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है यहाँ तक। ये चेक करो, तो आपका भाई हो गया है रेडी, आई मीन नमाज के लिए मैंने चेंज कर लिया है। तो जाता हूँ अभी मैं वज़ू करता हूँ पहले, दिन फिर जाके नमाज़ पढ़ना। मुझे नहीं पता कि क्या सीन है कि कोई भी नहीं है यहाँ पे, और जुम्मे की नमाज़ जो होती है जमात के बगैर नहीं होती, लेकिन जोहर की नमाज़ पढ़ लेता है। और क्या कर सकते हैं यार, मजबूरी है। तब इसी जगह सुकून वाली और बंदा यहाँ पर नमाज़ पढ़ना आराम से। मैं घर पर रहूँ ना, तो वहाँ से मस्जिद तक जाने में गर्मी लग रही है, लेकिन उसका भी सवाब ही है। एनी वेज ये देख रहे हो सामने जगह है, तो ये रही नमाज की जगह। अब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो खैर नमाज़ वगैरह हो गई है, अब वापस चलते हैं। और मुझे लग रही है बहुत सही, क्या है सही वाली गर्मी, मैं वापस चेंज करके पढ़ा है कूल में। कूल में जाते हैं, चस आएगी दोबारा, इंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो। हाँ भाई, क्या परेशान घूम रहे, क्या ढूँढ रहे तू? वैसे यार यहाँ ना हवा बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी यहाँ पे। कौन सा ग्लास यार? पानी का ग्लास है ये, इसमें पी लेना यार। देखो जहाँ लड़के होते हैं ना अकेले, वहाँ पे फिर यही याद होता है, सारा फैलाया हुआ। ये ले, मिल गया, एक निकाल ले इसमें। लगे हैं कबोर्ड दिया, इसका तो कोई काम ही नहीं है यार। अच्छा तुम लोग एक रूम दिखाना है, भूल गया था, एक ये वाला रूम है। उठ जा, ये यहाँ एंजॉय करने आए, यहाँ पे सो रहे हैं। अबे यहाँ पे घूमने आए, यहाँ पे सो रहे हैं यार। क्या है, क्या है, क्या है? तो वैसी खोलनी नहीं आ रही हो तो क्यों वो कर रहा है? भूख से बहुत बुरा हाल है, और बाकी सब बाहर घूम रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो गए हुए खा लेने, बहुत टाइम हो गया। ये यहाँ पर सो रहा है, ये देखो सो कैसे रहा, आंखें खोल के आ जाए। फिर हम चलते हैं नीचे और यार। बाबा भाई की नींद ही पूरी नहीं हो रही यहाँ पे, बाबा भाई सो रहे हैं। एक ये भी वही सो रहा था इतनी देर से, ये अभी उठा है यार। इंजॉय करने आए हो, इंजॉय करो, इंजॉय कर करके थक गए यार। मैं तीन दिन से बहुत काम कर रहा था, मैं भी थक गया था, लेकिन मैं रोज थोड़ी आते हैं यार, हम लोग तो नींद ही पूरी है। चाबी कहाँ है? चाबी चार बजे से जाग रहे थे। ये सामने जा रहे हैं मनिया सुरवे, मनिया सुरवे कह रहे खाना आ गया यार, इतनी भूख लग रही है ना कसम से यार। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, इतना लेट हो गया था, और इस बार पिछली दफ़ा तो खैर बनाया था जिसकी वजह से लेट हो गया था। वो दे ये बंदा क्या हुआ था खाना लेने। हेलो हेलो, ये सारा खाना वगैरह है, यहाँ पे भी हम खाना खाएंगे। ये बिरयानी है, ये खाने में, और खाने के बाद फिर हम तुम लोगों से मिलते हैं, खाने खा लेते सकूँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अभी। सब बैठे हैं खाने पर। 2000 years later. मैं तो थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, खाना खाइए अभी, और खाना खा अभी मैं लेट गया, खाना खा के लेटना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें बहुत फाइनली सबकी पिक्चर्स वगैरह लेके मैं फ्री हो गया हूँ थोड़ा। अब जो अपने सामान वगैरह रखना है वो जाके रखूँ, और थक गया हूँ बहुत ज़्यादा यार अब, और बाकी घर निकलना है अब थोड़ी देर में, तो बचा के सामान वगैरह रखते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। यार सब कुछ हो गया है, अपना बैग जो था वो पैक कर लिया मैंने, और बाकी इनके सामान पड़ा है, ये लेके बस निकलना है।
और यार फाइनली आज का दिन बहुत वेल स्पेंट हुआ, बहुत अच्छे से गुजर गया आज का दिन। और बाकी अभी हमारे साथ हैं बाबा भाई, और बाबा भाई बताएं कैसा गुजरा आपका दिन? यार मज़ा आया, थक तो गए लेकिन गर्मी भी थी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठे हुए थे और रात को सोए भी बहुत लेट। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जब आप पिकनिक पर जाएं, अगर कहीं आप ऐसी साइड जाते हैं या किसी भी मतलब जैसे फार्म हाउस आते हैं, तो रात की नींद आप पूरी दिया करें। जरूरी होती है नींद, बिल्कुल, क्योंकि जब आप रात को जागते रहते हैं तो सुबह आप एंजॉय नहीं कर पाते उस तरीके से। भाई मैं रात को नहीं सोया, फुल एंजॉय किया। आपसे किसी ने पूछा है गलत बयानी क्यों कर रहे हो यार? ये मतलब लटक क्या था, ये लटकने वाले लोग होते हैं ना। नहीं गलत बयानी कर रहे हैं ना यार। वैसे यार चलो बाबा भाई आप एंडिंग कर दो व्लॉग की। अच्छा जी एंडिंग यही है कि भाई इनको तो आप अच्छे से जानते हैं और इनके बदौलत हमें भी लाइक करें फॉलो करें। तो यार बाबा भाई ये हमें बोलना चाहिए कि हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब करवाएं आप। हाँ अजीब जाए बता रहे हैं आपको भाई, इनके व्लॉग्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और मेरा बड़ा अजीज भी है, काफ़ी टाइम से जब ये अभी भी है इतना ही है। तो बहरहाल इनके व्लॉग्स को जो है आप लोग लाइक किया करें, कमेंट्स किया, कमेंट्स बस दबा के कमेंट्स करें जितने कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी लाजमी। हाँ ये भी करिएगा, और बेल आइकॉन भी दबाना, वो जो साथ में घंटी होती है वो भी दबानी है, सब कुछ करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक, और यहाँ पे करते हैं साइन ऑफ।